अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं अरबी सीखने का भाग नंबर 29। तो आइए हम आपको सिखाते हैं अरबी भाषा बहुत ही आसान तरीके से। जेबुन, जेबुन या जिबना, तो इस मक्खन को कहते हैं। जेबुन, जिबना, मक्खन। हलीब, हलीब यानी दूध, दूध को अरबी में कहते हैं हलीब, हलीब। जबादी, जबादी दही, ठीक है, दही को कहते हैं जबादी। लेबन, छाछ, लेबन यानी छाछ। आशीर, जूस, आशीर यानी जूस। आशीर बुर्तगाल, आशीर, आशीर बुर्तगाल, संतरे का जूस। हमदियात बुर्तगाल, मरिंडा, ऑरेंज, मरिंडा को कहते हैं हमदियात बुर्तगाल यानी मरिंडा, ऑरेंज वाली। बेबसी, बेबसी यानी पेप्सी, पेप्सी को कहते हैं बेबसी, ठीक है। आसीर मंजू, जूस आम का, आसीर मंजू, जूस आम का, आम के जूस को कहते हैं आसीर मंजू। यानी आसीर का मतलब होता है जूस, चाहे वो किसी चीज़ का जूस हो उसका नाम होता है जूस। बाद में हमको आगे लगाना है जैसे मंजू आम का, बुर्तगाल यानी ऑरेंज का, तो ऐसे हमको आगे लगाना, ठीक है। मोया, मोया का मतलब है पानी। गरसा, गरसा यानी बोतल, मोया गरसा पानी का बोतल, पानी का बोतल, मोया गरसा पानी का बोतल। बीरा, बीरा बोलते हैं बियर को, जो सऊदी के अंदर, जो अरब के अंदर मिलती है, सभी दुकानों के अंदर मिलती है बियरा, तो उसमें कोई नशा वगैरह कुछ नहीं होता है, वो एकदम बिल्कुल सादा होती है, उसको बच्चे बूढ़े जवान सभी पीते हैं। तो वो यानी इस्लाम के अंदर हराम नहीं है, हराम इस्लाम के अंदर नशे वाली चीज़ हराम है, अगर उससे कोई नशा नहीं है, उसमें कोई नशा नहीं है, बिल्कुल फ़ायदेमंद है वो, तो वो कोई हराम नहीं है। तो बीरा, बीरा को बोलते हैं बियर, बियर। आइसक्रीम, आइसक्रीम को आइसक्रीम ही बोलते हैं अक्सर करके वहाँ पे, मैंने आइसक्रीम ही सुना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं फिर से आपको समझाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप फैमिली ड्राइवर हैं, हाउस ड्राइवर हैं, या आप कंपनी के अंदर आपको कोई मुदीर बोल रहा है, या कोई आपके साथ में अरबी भाषा वाला है, वो आपको अगर बोल रहा है कि मक्खन लेके आ, दूध लेके आ, दही लेके आ, छाछ लेके आ, जूस लेके आ, तो वह आपको क्या कहेगा वो अरबी के अंदर? रोजिब जेबुन, रोजिब जेबुन, तुम जाओ मक्खन लेके आओ, ऐसे बोलेगा, ठीक है। अंतरो यानी तुम जाओ, जिब, जिब माने लाना, हलीब, अंतरो जिब हलीब। वहद हब, वहद किलो वाला रूबा किलो, मैंने ये आपको पहले वीडियो में बताया था, रूबा किलो यानी 250 ग्राम वाला, नुस किलो यानी आधा किलो वाला, वहद किलो एक किलो वाला। तो आपको बोलेगा दूध के बारे के अंदर, रो जिब हलीब, नुस, नुस किलो, नुस लीटर, लीटर, लीटर और लीटर दोनों सेम बोलते हैं अपने भी, तो या लीटर कहेगा वो, जिब रूबा लीटर या 250 ग्राम, जिब नुस लीटर आधा किलो, जिब वहाद लीटर एक किलो, ठीक है, वो ऐसे बोलेगा। जिब लेबन, वो कहेगा जिब लेबन, छाछ लेके आओ, छाछ लेके आओ, ठीक है। तो छाछ का भी वही है, 250 ग्राम वाला, आधा किलो वाला, एक किलो वाला, दो किलो, ढाई किलो का ही ऐसे डिब्बा आता है, तो वो आपको बताएगा
रुबा किलो या 250 ग्राम वाला, नुस किलो, आधा किलो वाला, ऐसे बताएगा सी, ठीक है। और आसिर, जब आसिर यानी जूस लेके आओ, जूस, तो वो आपको बताएगा कि, ये फिर आप पूछ सकते हैं दा एस आसिर यानी कौन सा आसिर, आसिर मिंजू, आसिर अनब, आसिर पुर्तगाल, ऐसे बताएगा आपको, ठीक। जैसे मैंने आपको फलों के नाम बताए थे, उसी फलों का नाम लेकर बताएगा, आसिर यानी जूस, आसिर पुर्तगाल यानी संतरे का जूस। जिब हमदियास पुर्तगाल यानी मरिंडा ऑरेंज वाला लेके आना गया। जिब बैबसी खमस हब्बा सगीर, जिब बैबसी खमसा हब्बा सगीर, खमसा आपको मैंने गिनती सिखाया था, खमसा यानी पाँच, हब्बा मानी पीस, हब्बा यानी पीस, खमसा पीस, बैबसी जिब खमसा हब्बा यानी पेप्सी लेकर आओ पाँच पीस, ठीक है। आसिर मंजू, जूस आम का, आम का जूस, आसिर मंजू जूस, आम का जूस। मोया गरसा, पानी का बोतल, अभी आपको आप घर में या कोई भी आपको बोलेगा पानी का बोतल लेके आना है एक लीटर वाला, तो वो आपको अरबी में कहेगा जिब गरसा मोया वहाद लीटर, जिब मोया गरसा वहाद लीटर यानी एक लीटर वाला पानी लेके आना है, ठीक है। मोया गरसा, गरसा यानी बोतल, वहाद लीटर यानी एक लीटर, जिब यानी लाना का है, जिब बीरा अथनेन, जिब बीरा अथनेन यानी दो बियर लेके आओ, ठीक है। आइसक्रीम, आइसक्रीम को आइसक्रीम बोलते हैं, ये अपन समझ जाते हैं आराम से। जिब आइसक्रीम तला तहब यानी तीन पीस, तला तहब तीन पीस आइसक्रीम लेके आओ, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और मैं आपको बहुत ही आसानी से ये सिखाता हूँ, क्योंकि ये भाषा बोली जाती है और कई जो यूट्यूब के अंदर आपको वीडियो जो अरबी सिखाते हैं वो भाषा किताबों की है, लेकिन किताबों वाली भाषा बोली नहीं जाती क्योंकि उनकी साथ में मिक्स है अलग भाषा, तो इसीलिए मैं उनकी जो बोलते हैं वो भाषा, वो आपको भाषा मैं सिखा रहा हूँ। तो आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।